बिसमिल्ल असल स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल मास्टर स्टडी जोन स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री के जिस प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे डैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सटेंट फॉर आ वीक एसिड यूजिंग पोटेंशियो मीटर पी एच मीटर हम पोटेंशियो मीटर को यूज़ करते हुए डिसोसिएशन कॉन्सटेंट के ए की वैल्यू फ़ाइंड आउट करेंगे वीक एसिड की स्टूडेंट्स पहले हम अपरेटस को प्रिंसिपल को इसके बाद प्रोसीजर को थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे इसके बाद हम इसका पेंसिल वर्क डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेशंस को इसके बाद मैं आपको इसका ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगी कि, कि किस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं किस वेरिएबल को हमने एक्स एक्सिस पर लेना है किसको वाई एक्सिस पे लेना है किस तरह से ग्राफ ड्रा करना है किस तरह से इक्विवेलेंस पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें इसके अलावा जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे चाहे वो जोलॉजी है बॉटनी है केमिस्ट्री है इंग्लिश है फिजिक्स है साइकोलॉजी है कंप्यूटर है आपको किसी भी बुक पे कोई नोट्स चाहिए आपको कोई लेक्चर समझना हो आपको क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल चाहिए चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं बी के हैं या एमएससी के हैं आपको कोई भी प्रैक्टिकल समझना हो कोई प्रैक्टिकल चाहिए आपको रिटर्न फॉर्म में आपको कोई नोट्स चाहिए किसी टॉपिक पे आपको असाइनमेंट बनानी है आपको मटेरियल नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में, में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इन मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी चलिए आइए स्टूडेंट समाज का अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं ध्यान से आपने इस प्रैक्टिकल को समझना है सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स और केमिकल्स की ज़रूरत है हम उनको देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखें पी मीटर पिपिट पी बीकर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ग्लास रॉड स्टैंडर्ड बफर जीरो मोलर एसिटिक एसिड 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड डिस्टिल्ड वाटर तो so स्टूडेंट्स आप एसिडिक एसिड acid भी यूज कर सकते हो आप एक्जैलिक एसिड भी यूज कर सकते हो ये दोनों क्या हैं वीक एसिड हैं तो आप कोई भी जो वीक एसिड है वो आप इसमें यूज कर सकते हो इसके बाद देखें स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन पोटेंशियोमीट्री और पोटेंशियोमीट्रिक तो स्टूडेंट्स अगर आपको पोटेंशियोमीट्री का लेक्चर समझना हो तो so, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है आप वहाँ से जाके डिटेल से पोटेंशियोमीट्री के डेफ़िनेशन को पोटेंशियोमीट्री को मेजरमेंट्स को आप वहाँ से जाके देख सकते हैं आपको इस वीडियो से क्लियरली आपको समझ आ जाएगी पोटेंशियोमीट्री क्या होती है और किस तरह से हम जो है पोटेंशियो मेजरमेंट्स हम किस तरह से करते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड विद द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस विद विच इट आयंस इन इक्विलिब्रियम में बी यूज्ड एज अ इंडिकेटर इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चेंजिंग पीएच विद चेंज ऑफ ईएमएफ हेंस द पोटेंशियल इज मईड आफ्टर सक्सेसिव एडिशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट देन अ कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन अब हमने अब जो है वो हम अब्जॉर्बेंस जो ले रहे हैं उसकी और या पीएच की एज अ ऑर्डिनेट एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एज अ एपसी का तो स्टूडेंट्स आपने पी एच को लेना है वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट हम कहते हैं वाई एक्सिस पे और जो आपने टॉयट्रेंट है जो वॉल्यूम ऑफ टॉयट्रेंट है वॉल्यूम जो होगा उसको हमने किस पे लेना है ऑप्शिका यानी कि एक्स एक्सिस पे इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट विल दस्ट बी इंडिकेटेड बाय अ सडन चेंज इन वैल्यू ऑफ पीएच ग्रेटर द स्टीपनेस ऑफ स्लोप ऑफ इन्फ्लेक्शन इन द कर्व जित जो स्टीपनेस जितनी आएगी स्लोप की जो सबसे स्टीप पॉइंट होगा उसको आप क्या कहोगे ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखें ग्रेटर विल बी द प्रसीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जितनी स्टीपनेस ज्यादा होगी स्लोप की उतनी ही आपकी एक्सपेरिमेंट की प्रसीजन ज्यादा होगी आगे देखें डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है वीक एसिड का और अब वीक बेस का हम डिमाइंड करते हैं बाय मेरिंग द पीएच ऑफ ऑफ कंटेनिंग नोन अमाउंट ऑफ एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस अब देखिए एक एग्जाम्पल है एच ए एक एसिड है ने हमने इसको डिसोसिएट कराया उसके आयंस में के ए किसके इक्वल है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड ए माइनस इसके बाद क्या है एच ए यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस ए माइनस एंड एच ए माइनस लॉग अब माइनस लॉक के ए को हम रिप्लेस करेंगे माइनस लाग एच प्लस से इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए प्लस लाग ए माइनस एच ए अब स्टूडेंट्स देखें जो माइनस लॉग है वो इक्वल होता है पी के आ गया पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉक के ए प्लस लॉग ए इसके बाद क्या आ गया एच ए ए माइनस एच एट अ पॉइंट वेयर द एसिड इज हाफ न्यूट्रलाइज एंड हैज सॉल्ट एंड एसिड वो कहते हैं एक पॉइंट है एट अ पॉइंट व्हेन द एसिड इज हाफ न्यूट्रलाइज्ड तो पी इज इक्वल आ गई माइनस लॉक के ए के और अगर आपने के ए फाइंड करना हो तो हम एंटी लॉग किसका ले लेंगे ले पी का इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स के ए इसमें क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आप कह सकते हो आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड इसका मेथड देख लें आप प्रोसीजर क्या है एनालिटिकल प्रोटोकॉल भी हम इसको कहते हैं आपने 0.1 मोलर एसिडिक एसिड लेना है 0.1 मोलर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको आपने प्रिपेयर करना है हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब इन सेपरेट फ्लास्क में देन उसके बाद आपने थर्टी सेंटीमीटर क्यूब एस्टिक एसिड का सोल्यूशन लेना है बीकर के अंदर और उसकी पीएच आपने नोट करनी है उसके अंदर इलेक्ट्रोड को डीप करके इन द सल्यूशन में यूजिंग पी एच मीटर फिर आपने इसमें ऐड करना है वन सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को आपने ब्यूरड से एंड आफ्टर ईज थर्टी सेकेंड विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग एंड रिकॉर्डेड द पी एच आफ्टर ईच एडिशन अब आपने ऐड करना है वन सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को फ्रॉम ब्यूरेट से एंड आफ्टर ईच थर्टी सेकंड हर थर्टी सेकेंड के बाद आपने कॉन्स्टेंट जो है वो उसको स्टील करते रहना है और रिकॉर्ड करना है पी एच को आफ्टर ईच एडिशन हर एडिशन के बाद आफ्टर ट्वेंटी रीडिंग्स वर टेकन एंड देन अ ग्राफ वॉर्स प्लॉटेड बिटवीन पी एच एंड वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कम अज कम आपने बीस रीडिंग्स लेनी है फिर आपने एक ग्राफ प्लाट करना है पी एच का और जो वॉल्यूम आपने बेस अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम यूज़ किया है उसके दोनों के अगेंस्ट आपने क्या

इस इंडिकेटर इसमें हमने क्या यूज किया है फिनॉफलिन इंडिकेटर और सोल्यूशन प्रेपरेशन क्या है जीरो पॉइंट वन मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमने मोलोरिटी फाइंड आउट करनी है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है मैसिन ग्राम डिवाइडेड बाई मोर मैथ मट्टीप्लाई वन डिवाइडेड बाई वालीम इन डी एम क्यूब अब देखें जो मेलोरिटी हमने कितनी ली है जीरो पॉइंट वन मोर तो हम लिख देंगे जीरो पॉइंट वन मोरर मैथ हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि हमने जीरो पॉइंट वन मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोलूशन बनाना है इसलिए हमें मैथ नहीं पता कि हम कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे कि हमारे पास जीरो पॉइंट वन मोलर सोलूशन प्रीपेयर हो जाए तो मैथ हम फाइंड आउट करेंगे मोर मैथ कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फोर्टी मल्टीप्लाई वन डिवाइड बाई अब देखिए वालीम हमने कितना लेना है इसमें थाउजेंड और डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड एम एल तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसमें मैथ्स फाउंडेड करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे हम जीरो पॉइंट वन को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी डिवाइड हो रहा है इक्वल किस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव हंड्रेड यहाँ पर डिवाइड में है इक्वल क्यूस साइड पे जाके मल्टीप्लाई थाउजेंड यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास मैथ्स कितना आ गया टू ग्राम तो इसका मतलब हमने टू ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है जीरो पॉइंट वन मोलर स्लेशन प्रिपेयर करने के लिए और उसको स्टैंडर्डाइज करने इट वॉज स्टैंडर्डाइज बाय टाइट्रेशन तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा जीरो पॉइंट वन मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है अब हमने इसको स्टैंडर्डाइज करना है अब हम जीरो पॉइंट वन मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोलूशन को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको स्टैंडर्डाइज करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोलूशन को हमने इसमें यूज़ किया है एक्जैलिक एसिड इनिशियल देखिए रीडिंग क्या थी जीरो फाइनल रीडिंग कितनी आई टू पॉइंट सेवन मीन्स कि आपने जो अब आपने ब्यूरेट में क्या लेना है एग्जैलिक एसिड और आपने बीकर में क्या लिया है या आपने फ़्लास्क में सॉरी क्या लेना है आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो कितने जो वा, कितने वॉल्यूम यूज़ हुआ है आपका एग्जैली कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडराइज करने के लिए 2.7 जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ऑन वॉल्यूम 2.7 ही रहेगा अब आपने आगे से फर्दर 2.7 से रीडिंग लेनी स्टार्ट करनी है दोबारा से आपने उसको स्टैंडराइज़ करना है अब आपके पास कितना वॉल्यूम यूज़ हो गया एट अब आप एट में से माइनस करोगे टू को तो फाइव आंसर आएगा अब आपने एट से रीडिंग लेनी स्टार्ट करनी है एट से फोरटी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? इसके बाद स्टूडेंट जब आप इसका तो एम वन हमने फाइंड आउट करना है V1 कितना हमारे पास आ गया फोर पॉइंट एट कितनी थी 0.1 पॉइंट वन वॉल्यूम टेन और नंबर ऑफ मोल्स कितने हमने इसमें लिए हैं टू अब जब आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो M1 वन आपके पास कितना आ जाएगा 0.1 पॉइंट वन मोलर अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो स्टैंडर्ड जीरो पॉइंट वन मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यून है वो प्रिपेयर हो चुका है अब आपने थर्टीन हमने यहाँ पे रीडिंग्स ली हैं अब आपने जो ब्यूरड है उसमें आपने क्या लेना है जीरो पॉइंट वन मोलर का जो आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसको आपने ब्यट में लेना है और फ्लास्क में नीचे आपने क्या लेना है जब आपने एसिटिक एसिड को आपने क्या करना है हमने इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए की वैल्यू हमने इसमें फाइंड आउट करनी है तो देखिए स्टूडेंट्स हमने थर्टी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एस्टिक एसिड जो हमने एनालिटिकल प्रोटोकॉल में पढ़ा है कि हमने थर्टी सेंटीमीटर क्यूब एसटिक एसिड लिया है किसमें बीकर के अंदर उसकी पीएच को हमने नोट कर लेना है अभी हमने ब्यूरट से उसके अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हमने ऐड नहीं करना तो सिंपली आपके पास जो पीएच एच आएगी वो थ्री पॉइंट जीरो है अब आपने उसमें जीरो पॉइंट फाइव आपने उसमें क्या ऐड किया है जीरो पॉइंट फाइव एम आपने उसमें ऐड किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड अब पीएच कितनी आ गई थ्री पॉइंट सिक्स दैन उसके बाद आपने वन पॉइंट जीरो तो कितनी आई थ्री पॉइंट फाइव उसके बाद टू अब पी एच फिर भी थ्री पॉइंट फाइव थी फिर आपने उसमें थ्री एम एल ऐड किया थ्री पॉइंट फोर फोर एम एल इस तरह आपने क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की और पी एच को आपने मैय करते जाना है तो देखें जितना ज़्यादा आपने एम एल ऐड किए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो जीरो पॉइंट वन बोर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रिपेयर किया था जितना देखें आप ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे पी एच उतनी ही इनक्रीज़ देखें होती जाएगी इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पी एच इज इक्वल टू इक्वल है पी के ए के तो पी के हमारे पास कितनी है फाइव पॉइंट नाइन माइनस लॉग के माइनस को हम इधर शिफ्ट कर देंगे लॉग का हम इधर जब लॉग इस साइड पे आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा आपने एंटी लॉग माइनस फाइव पॉइंट नाइन लेना है तो आपके पास के ए डिसोसिएशन कॉन्सटेंट की वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आई है सेवन पॉइंट नाइन मल्टीप्लायर टेन की पावर माइनस फाइव तो स्टूडेंट्स जो आपके पास फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आई है वीक के की जिसकी आपने फाइंड आउट करनी थी और एक्जैली एसिड की कितनी आई है सेवन पॉइंट नाइन मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस फाइव ये आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है अब हम देखते हैं कि इसका हमने ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है तो स्टूडेंट्स देखें होप्स हो कि आपको जो ग्राफ है वो नजर आ रहा होगा तो देखें हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है वैल्यू ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टैंडर्डाइज सल्यूशन और देखें वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है पी एच ऑफ द सोल्यूशन जो सोल्यूशन की पी एच की जो वैल्यूज हमारे पास आ रही थी उनको हमने कहाँ पर लिया है वाई एक्सिस पे अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास रीडिंग आई थी उन रीडिंग के अकॉर्डिंग आपने ग्राफ प्लाट करते जाना है बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो डिफरेंस है बॉक्सेस का वो आपने इक्वल रखना है उसको आपने चेंज नहीं करना वो चेंज करोगे तो आपका जो ग्राफ है वो गलत हो जाएगा तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया है जो हमने वन बिग बॉक्स है वो हमने टू के इक्वल रखा है देखें ये एक पूरा जो बिग बॉक्स है ये देखें यहाँ से लेके इस लाइन तक ये एक पूरा बॉक्स है हमने इसको हाफ में डिवाइड कर लिया है यानी कि ये पूरा बॉक्स वन के इक्वल होता है तो हमने इसको टू के कर लिया है ये देखिए जीरो से लेके वन तक हमने जीरो से वन रखा स्मॉल बॉक्स फिर आगे वन से टू तो हमने एक पूरे जो बिग बॉक्स है देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने एक पूरे बिग बॉक्स को टू के इक्वल रखा है तो आपने टू टू के इक्वल रखना है ये देखें जीरो से टू टू से फोर फिर फोर से सिक्स सिक्स से फिर आगे देखें एट तो इस तरह आपने चेंज नहीं करना और जो स्मॉल बॉक्स है वो ज़ीरो पॉइंट टू ये देखें स्टूडेंट्स ये एक स्मॉल बॉक्स है तो हमने एक जो छोटा उसके अंदर जो एक छो छोटे छोटे आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं हमने 0.2 के एक बार रखे हैं देखें 0.2, 4, 6, 8 और 10, 10 पे आके हमारे पास एक वन जीरो से वन तक एक जो बॉक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह आपने जीरो से ये जो एक लाइन है इसको आपने वन का सेंडेट लेना है जीरो से वन फिर वन से टू टू से फिर देखें इधर से थ्री फिर थ्री से इधर देखें फोर तो इस तरह आपने जो है वो इक्वल आपने बॉक्सेस की जो है वो डिफ्रेंशिएशन जो आपने वो इक्वल रखनी है वो चेंज नहीं करनी अब देखिए स्टूडेंट्स हम मैं आपको दो तीन पॉइंट्स जो है वो बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह जो हमने इसमें जो है वो रीडिंग को देखते हुए किस तरह हमने इसमें जो है वो पॉइंट्स हमने इसमें लगाने हैं तो देखिए स्टूडेंट्स ही रीडिंग के थी जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो तो ये ये जीरो पे एक्स एक्सिस और थ्री पॉइंट जीरो ये हमने पीएच कितने लगा दी ये थ्री के ऊपर अगला पॉइंट देखिए हमारे पास क्या था ज़ीरो पॉइंट फाइव से थ्री पॉइंट सिक्स तो ये देखिए कि हमने एक डब्बा जीरो पॉइंट टू का रखा था तो ये देखिए स्मॉल बॉक्स जो जीरो पॉइंट टू का है तो बिल्कुल यहाँ पे इस बॉक्स पे जीरो पॉइंट फाइव तो टू और टू फोर और थोड़ा सा आगे जाके हम इधर से जीरो पॉइंट फाइव देखेंगे वॉल्यूम और ऊपर से हम क्या देखेंगे जो हमारे पास पी एच आई है वो थ्री पॉइंट सिक्स है तो ये देखें ये थ्री और आगे से हम काउंट कर लेंगे तो ये देखें बिल्कुल जो है ये देखें एक हमने जो स्मॉल बॉक्स रखा था वो कितने का था हमारा थ्री के बाद फोर का है तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर लें टू फोर सिक्स एट टेन यानी कि टू टू का अंदर स्माल बॉक्स हमने जो है जीरो पॉइंट टू टू के रखे जब थ्री पॉइंट सिक्स है तो देखें जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सिक्स यहाँ पे आप एक डाट लगा दोगे जीरो पॉइंट टू फोर और सिक्स के बाद इस तरह आप थ्री पॉइंट सिक्स पर डाट लगा दोगे इस तरह आप नेक्स्ट आगे भी आगे देखें वॉल्यूम हमने जो वन पॉइंट जीरो लिया था अब आप वन पे आ जाओगे और पी एच मारी आई थी थ्री पॉइंट फाइव तो थ्री के ऊपर जो है थ्री पॉइंट फाइव के ऊपर आप एक डाट लगा दोगे यानी कि थ्री और फोर के अंदर जितने बॉक्स हैं उसको आप डिवाइड करोगे और उसके जो है वाफ के अंदर आप जो है वो एक डाट लगा दोगे तो स्टूडेंट इस तरह हम ग्राफ जो है वो प्लाट करते जाएंगे और सबसे जो स्टीपनेस जो होगी देखें ये स्टीपनेस है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे ये क्या है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है जिसपे हमारे ग्राफ की जो स्टीपनेस है वो सबसे ज्यादा आई है तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ग्राफ किस तरह से प्लाट करते हैं फिर भी आपको इस प्रैक्टिकल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए प्रैक्टिकल के साथ एक नई वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़